एक तरफ जहां शासन के निर्देश पर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाकर वाहनों को सुरक्षित चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं महोबा जिले में रफ्तार के तहत थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे मासूम को रौंदाला, जहां घायल मासूम को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बजरिया स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी का है, जहां निवास कर रही खेमराज का 1.5 वर्षीय पुत्र आदित्य अपने मकान के चबूतरे पर खेल रहा था, तभी मौदहा बांध हमीरपुर सब डिवीजन महोबा में तैनात अवर अभियंता पुष्पेंद्र की तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर मासूम आदित्य को रौंदाला स्थित की मौके पर मौत हो गई। हालांकि कार चालक द्वारा मासूम को उचित अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही कार चालक मासूम की शव को छोड़कर 9:11 हो गया, तो वहीं अस्पताल पहुंचे मृतक मासूम के परिजनों को जैसे ही मासूम की मौत की खबर मिली उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। फिलहाल मृतक मासूम के परिजनों द्वारा कोतवाली महोबा में कार चालक के विरुद्ध तहरीर लेकर कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं पुलिस मासूम के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुष्पेंद्र कुमार है, जूनियर इंजीनियर हमीरपुर सब डिवीजन महोबा। तो उसने मेरा बच्चा चौधरी पे खेल रहा था, सुबह लगभग 7:45 के आसपास वो आया, एकदम से गाड़ी एकदम बेकाबू चला रहा था, उसने मेरे बच्चे को चढ़ा के भाग गया। वो भाग गया, तत्काल सुनो डेड बॉडी उठाई, ना मेरे को लिया, ना मेरे बच्चे मेरे को सूचित किया, ना मेरी पत्नी को सूचित किया, सीधा डेड बॉडी लेके यहाँ आ गया। सुबह करीब 8:00 के आसपास कुछ अज्ञात लोग एक बच्चे को लेकर आए जो कि मृत अवस्था में था। हम लोगों ने प्रॉपर जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित किया उसे और शव को मोर्चरी में रखा दिया गया। एक सिंचाई कॉलोनी में एक जेई की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ, इस संबंध में परिजनों के पिताजी की तहरीर पे मुकदमा कायम हुआ है, कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।